आज का प्रातः क्लास है छब्बीस आठ 1964। म्यूजिक बज रहा था, किसी बच्ची ने कहा बाबा ये टैप सभी सेंटर्स तक जाते हैं। ग्रीटिंग्स पढ़ेंगे, अच्छा काहे की ग्रीटिंग्स? जन्माष्टमी की? क्यों नहीं? वाह, ये टैप पहले पहले कहाँ जाएगा? किसी बच्ची ने कहा दिल्ली जाती है, दूसरी बॉम्बे जाती है। अच्छा, हेलो सभी शिव बाबा के रूहानी सेंटर्स निवासी ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी सौभाग्यशाली बच्चों प्रति माता पिता व बाप दादा आज बड़ी दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ का तो समाचार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो बच्चों को समझाया और खेलपाल भी कराया सो तो समाचार आप ही लिख देंगे मुरली में। और तुम बच्चों ने भी सुना, परंतु तुम बच्चों को तो कोई भी ये उत्सव नहीं मनाना है। ये उत्सव आदि तो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में दुख बहुत है। तो कोई कोई दिन उत्सव मनाए लेते हैं खुशी के लिए। परंतु तुम बच्चों को तो कोई उत्सव नहीं मनाना है, तुम्हारा तो रोज ही उत्सव है। और तुमको उत्सव मनाना है सेवा का, ऐसे नहीं कि अच्छा कपड़ा पहनना करना है, मंदिर में जाना है, फलाना करना है। नहीं, तुम बच्चों को जाकर समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था। श्री कृष्ण को जो सतयुग के पहले प्रिंस का पद मिला है ये पद पाने का इनको कर्म किसने सिखलाया? जो ऐसा विश्व का पहला प्रिंस बना और ये श्री कृष्ण 84 जन्म कैसे लेता है? फिर इस समय में अंतिम जन्म में बहुत जन्म के अंत में फिर देखो बाप कैसा करके शिव बाबा कहते हैं कि मैं इनके अंतिम जन्म में फिर प्रवेश करता हूँ। फिर इनका नाम प्रजापिता रखता हूँ। प्रवेश करता हूँ फिर अर्थात बाद में इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि मुझे फिर ब्राह्मण धर्म स्थापन करना होता है।
तो ब्राह्मण धर्म भी यही भारत में चाहिए। तो जन्म भी भारत में लेते हैं और जरूर किस में प्रवेश करेंगे, वो बोल देते हैं कि पता है मैं किस में प्रवेश करता हूँ। जो पहले पहले श्री लक्ष्मी नारायण थे, फिर उनके बहुत जन्म के अंत में, अंत के जन्म में जो उनका बुढ़ा शरीर है, उनमें मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनका नाम प्रजापिता रख देता हूँ। प्रजापिता नाम भी उनका क्यों रखता हूँ? क्योंकि ब्रह्मा के मुख कमल से फिर मुझे ब्राह्मण और ब्राह्मणियों की रचना करनी है, तो मैं ब्रह्मा कहाँ से लाऊं? तो इसलिए मैं इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। क्योंकि ये मेरा बच्चा बन जाते हैं। किसने कहा? मेरा बच्चा बन जाते हैं। संन्यास करते हैं तो सन्यासी का नाम हमेशा बदलता है। तो फिर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। अच्छा, ये तो तुम बच्चों को राज समझाया, और तुमको किस लिए समझा रहे हैं कि औरों को भी समझाओ? तो तुम्हारा जो उत्सव है, तुमको उत्सव क्या करना है? सर्विस करनी है। ऐसे नहीं कि कपड़ा पहनना है, मंदिर में जाना है, मिश्री खाना है। मंदिर में जाकर तो जरूर भाषण करना चाहिए, वो भी किस मंदिर में? ये लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण या शिव का मंदिर, वो बिल्कुल ठीक है। उनमें शिव की बैठ करके महिमा करनी है कि कैसे पतित पावन है, कोई बच्ची ने कहा। अभी गुलजार तो मथुरा में गई है। हाँ, गुलजार भी मथुरा में गई है, वो भी तो अच्छा है, क्योंकि वो कृष्ण की पूरी गाई जाती है। श्री कृष्ण के मथुरा में, वृंदावन में, वहाँ वृंदावन में एक कुंज गली है, कहते हैं कि कुंज गली में रात को कृष्ण की रास होती थी, और वो रास में सब शामिल होती थी। अब वो रास का ही कि डांस होती थी, अर्थात ज्ञान का डांस करते थे,
ज्ञान सुनाते थे। फिर वो ज्ञान सुन करके अगर कोई आ करके उल्टा सुल्टा बोलते थे कि ये क्या करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं फलाना करते हैं, तो फिर उनका गला ही घुट जाता था। फिर वो गूंगा बन जाते थे, कुछ भी बोल नहीं सकते थे। तुम जानती हो कि जो बाबा का ज्ञान सुन करके निंदा करते हैं या ट्रेटर बनते हैं तो वो गूंगे हो जाते हैं। मुख से ज्ञान की बातें सुनाई नहीं सकते, अर्थात तो कुछ भी ज्ञान कथन नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसे ब्राह्मणों को गूंगा कहा जाता है। समझा? अच्छा, अभी तो ये जैसे कि मुरली बजाता हूं, 26/8/64 की वाणी का दूसरा पेज, हम तुम बच्चों को याद प्यार दे रहा हूं और सर्विस का समाचार तो देते हैं। किसी ने कहा आत्म प्रकाश देते हैं, जो भी अच्छी सर्विस करते हैं उनको आफरीन दी जाती है। तो देखो दिल्ली में बहुत अच्छी बच्ची ने सर्विस की होगी और बाबा जानते हैं कि सर्विसेबल तो बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। जैसे हमारा जगदीश है और दूसरी वहां गुलजार बच्ची रहती है, और राजकुमार है जो अभी मैंने भेजा है हमारे शिकील दे बच्चे आत्म प्रकाश को भी, वो एकदम बहुत मीठा बच्चा है, वो भी अभी सर्विस कर रहे हैं। मकान के पिछाड़ी भी दौड़ते होंगे और सर्विस भी करते होंगे। दिल्ली में तो ऐसे मीठे मीठे ऑलराउंडर को भी, उनका नाम ऑलराउंडर क्यों रखा? क्योंकि हम ऑलराउंडर 84 जन्म भोगते हैं। किसका नाम था ऑलराउंडर? है गुलजार दादी की माँ का नाम था ऑलराउंडर। सतयुग से लेकर ऑलराउंडर हमारी सर्विस पर है और ऑलराउंड सर्विस पर है। जो बच्चे ऑलराउंड सर्विस करते हैं उनको कहा खाना पकाओ तो ये पकाया, सर्विस करो तो ये किया, झाड़ू लगाओ तो वो भी किया। उसको कहा जाता है ऑलराउंडर, सर्विस करने वाला। तो ऑलराउंड सर्विस वाले बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं।
ऑलराउंडर को और किसको याद प्यार देवे। किसी ने कहा सुदेश बच्ची को, वाह बहुत अच्छी बच्ची है ये सुदेश, इनको भी याद प्यार देना। अच्छा दिल्ली को दूंगा, और भी तो बहुत सेंटर्स के बच्चे हैं। तुम बोलती हो कि ये जो सभी सेंटर्स में जाएंगे वो कौन से, क्या दिल्ली के सभी सेंटर्स में? किसी ने कहा नहीं नहीं सभी सेंटर्स में, सभी सेंटर्स में से अभी देखो दिल्ली को याद प्यार, पर दिल्ली के आसपास बड़े बड़े सेंटर्स तो हैं, और नंबर वन सेंटर है बॉम्बे, किसी ने कहा पूना, हाँ बॉम्बे और उनका बच्चा पूना। ये क्या बात हुई? इनसे पीछे फिर है दिल्ली सेंटर सबसे अच्छा, बाबा महिमा कर रहे हैं कि पीछे दिल्ली के सब सेंटर्स मिलकर के बॉम्बे एक सेंटर, दो सेंटर तो वो भी है तीन सेंटर, तो दिल्ली के भी सेंटर बहुत अच्छे हैं, सर्विस करते हैं और बहुत कांटों से फूल बनाते रहते। अच्छा फिर हम कहां जावे? मेरठ भी बहुत अच्छा है, वहां बहुत मीठा देवता बैठा हुआ है, क्या नाम है उनका? किसी ने कहा कमल, कमल सुंदरी बच्ची और संदेशी भी बड़ी अच्छी है, तो अच्छी अच्छी मुरली पॉइंट्स भी समझाती है, छटकेली बच्ची है, बहुतों को अच्छा बनाती है। अच्छा फिर उनके साथ सर्विस और भी साथी हैं। अच्छा फिर कहाँ जाऊं? फिर कानपुर में जाऊं, वहां भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत सेंटर्स हैं, बहुत सर्विस करते हैं। अभी जो सर्विस करेगा वो अपनी सर्विस करते हैं, ऐसे समझे कि हम अपनी सर्विस से अपनी तकदीर बनाते हैं। ऐसे मीठे लाडले बच्चे अपनी तकदीर को बनाते रहो। और देखो अमृतसर, वाह अभी तो फिर कौन सुनावे, अभी तो अमृतसर में भी जाने वाले हैं, वहां बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी सिकिल दी बच्चियां हैं। अमृतसर के साथ बटाला भी कम नहीं है, जालंधर भी कम नहीं है,
क्योंकि जालंधर भी कमाल करते हैं, वहां भी बड़े अच्छे अच्छे सतगुरु प्रसाद जैसे बच्चे, सतनाम जैसे बच्चे, भले कोई कोई बच्चे गुटके भी खाते हैं, परंतु माया तो जरूर गुटका खिलाएगी, तो गुटका खा करके खड़े हो जाना चाहिए। जैसे देखो एक खिलौना होता है, वो चमाट लगाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके फिर खड़े हो जाते हैं, तो माया तो जरूर चमाट लगाएगी, तो फिर कभी भी हिलना नहीं चाहिए। जैसे हमारा कोई अच्छा अच्छा बच्चा, देखो उसकी आत्मा रूपी बैटरी फिर याद आ गई, फौरन याद आ गई, किसको याद प्यार देवे। किसी ने कहा जगदीश और करनाल, वाह करनाल, करनाल भी क्या कम है। 26-8-64 की वाणी का तीसरा पेज, करनाल भी अच्छी है, मगर पता नहीं उनके पास टैप है या नहीं, फिर है तो सही शायद। अच्छा नहीं है तो दे देंगे उनको भी टैप। अमृतसर में एक प्रिंसिपल है जगदीश, बड़ा अच्छा बच्चा है, फिर उनकी जो हाफ पार्टनर युगल है, वो सवेरे में यहाँ आई थी, बच्ची बहुत अच्छी है और वो टीचर भी है, प्रिंसिपल है, वो तो हद की शिक्षा पढ़ाती है। तो यहाँ भी अगर वो अवैध की शिक्षा में लग जावे तो डबल सर्विस। तो जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां हैं वो तो सिंगल सर्विस पर हैं, सिर्फ रूहानी सर्विस पर, और ये बच्ची जिस्मानी और रूहानी कमाल कर देवे, बहुत ऊंच पद ले सकती है अगर सीमित पर चल पड़े तो। अच्छा और किसको याद प्यार देवे। कोई बच्ची ने कहा कुमारी, हाँ बहुत कुमारियां हैं, पटना में भी टैप जाती है, वहां भी तो बाबूजी हीरे लाल जी हैं, तो देखो कितने सेंटर हैं। पटना में 2-3 सेंटर हैं, कलकत्ते में भी सेंटर हैं, कुछ कमाल की है उसने भी, कोई कम थोड़े ही है, तो उसको भी बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा कलकत्ता वालों को भी, और कहां कहां है, और तो कोई जगह टैप नहीं है। किसी ने कहा बंगलोर, हाँ बंगलोर भी, वाह बंगलोर में तो
जो पुष्पा बच्ची है, रोजी है, लक्ष्मण है, वो तो है ही बाबा की। अभी खांसी होती है तो सबसे विदाई लेते हैं, रात्रि क्लास 26-8-64 का। माँ बाप, बाप दादा अथवा कहें ईश्वर के घर में बैठे हैं, फिर यहां से जब जाएंगे तो किसके घर में होंगे? सब बच्चे जाएंगे, बच्चे कहां से आए हैं, कौन से सेंटर से? कोई ने कहा धानापुर से, तो जब धारणापुर में जाएंगे और घर में होंगे तो फिर वहां क्या समझेंगे? वहां कहेंगे अपने घर में बैठे हैं, और यहां कहेंगे ईश्वर के घर में बैठे हैं। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। अपने घर में तो सभी कोई बैठे रहते हैं, सारी दुनिया बैठती है, परंतु यहां एक वंडरफुल बात है, इस समय में कहां बैठे हो? वो माता पिता, परमपिता परमात्मा, जिसको हम प्रभु ईश्वर कहते हैं, हम उनके घर में बैठे हैं। बस यहां ही कोई बैठेगा तो बोलेगा हम घर में बैठे हैं। जब घर में जाएगा तो बातें ही न्यारी, यहां के बोल ईश्वरीय बोल, न्यारे बोल, और वहां के बोल ही न्यारे होते हैं। यहां ये तो समझते हैं ना कि बरोबर हम परमपिता परमात्मा के घर में बैठे हैं। परमपिता को पिता तो कहते हैं ना, और वहां जाकर के अपने घर में बैठेंगे, पता नहीं वहां क्या क्या सुनेंगे, क्या क्या ख्याल उठेंगे, धंधा धोरी मिटमाइट दोस्त फलाना फलाना। तो देखो यहां और उस घर में कितना फर्क हो जाता है। ऐसे तो वहां भी रह सकते हैं, क्योंकि वो लौकिक संबंध निभाना है, वहां ही लौकिक संबंध में रह करके पारलौकिक संबंध से तोड़ निभाना है, वो लौकिक संबंधन है, भले उनसे भी निभाना है, इनसे भी निभाना है, बड़ी युक्ति चाहिए। और ये सिर्फ अंतिम जन्म तोड़ निभाना है, ये तो फिर नए दैवी संबंध से तोड़ निभाना पड़ेगा। ये लौकिक संबंध से हिसाब किताब पूरा होता है, और ये पारलौकिक ही कहेंगे, स्वर्ग को भी परलोक कहेंगे, शांति लोक को भी परलोक कहेंगे, जाते होंगे तभी समझते होंगे हम ईश्वर के घर से कहां जा रहे हैं। आते हैं जाते हैं,
आप जब जाते हो तो आपको क्या वासना आती है? बॉम्बे में थे तो कोई ने कहा आपकी गोद में बैठे, अच्छा आपकी गोद में कहाँ बैठे हो, ये तो यहाँ बैठे हैं। तुम भी जाएंगी तो ऐसे ही समझेंगी, जहाँ ईश्वर है वहाँ बैठने से ही कहेंगे हम परमपिता के साथ बैठे हैं। पर जब दूर चले जाएंगे तब तो बात ही और हो जाती है। छब्बीस साठ चौसठ की वाणी का चौथा पेज। भला मेरे लिए क्या समझते हो? उन्होंने कहा याद तो बहुत करते हैं, तो इन बाबा के लिए क्या समझते हो? जहां भी होंगे बोलेंगे हम ईश्वर के साथ बैठे, ऐसे समझते हो? कितने फायदे की बात है, ईश्वर का लोन लेने वाली बात, ईश्वर का लाडला बच्चा। तुम क्या समझते हो कितनी वंडरफुल बातें हैं? और ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, और शास्त्रों को तो छोड़ दो, क्योंकि भारत के तो सभी शास्त्र अगड़म बगड़म। अगर गीता भी लेवे तो भी उनमें कुछ भी नहीं है। उनमें क्यों कहा? गीता एक है या बहुत गीताएं हैं? क्योंकि गीता तो एक है संस्कृत में ओरिजिनली, परंतु उसकी टीकाएं बहुत हो गई हैं। तो जरूर मनुष्य बिचारे मुझते होंगे ये क्या है, और यहां की तो बातें ही न्यारी हैं। बाबा के साथ में होंगे तो भी ऐसे ही कहेंगे कि हम ईश्वर के घर में बैठे हैं। कहां भी जाकर के बैठेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। ड्रामा भी ऐसे नहीं कहता है कि कोई कहे कि हम बैठ जाएं तो बैठ सकें, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ ऐसे भी कोई होते हैं, कोई ऐसे सर्वे साथी हैं जिनको साथ में रखना है, और वो बहुत थोड़े हैं। विचार करो कोई भी नहीं है जो सदैव साथ में रहते हैं। इस समय की बात बताई है, ऐसे कोई भी नहीं है जो सदैव ईश्वर के साथ में रहते हैं सेवा में फील्ड में। इस समय की बात, अरे वाणी किस समय की है? चौसठ के लिए बताया। बहुत थोड़े हैं,
दीदी बताओ, साथ में कोई रहते हैं? किसके साथ है? शिव बाबा के साथ ईश्वरीय सेवा में कोई रहते हैं? जैसे ये बाबा है, शिव के साथ सदैव रहते हैं, और भी कोई है? कौन से बाबा की बात बताई है? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए तो साथ में रहे है? सदैव की बात लागू होती है? विचार करो इस बात पर, दूरंदेशी बनो। दूरंदेशी का क्या मतलब हुआ है? कि भविष्य में दूर दृष्टि दौड़ाओ। समझता है कोई? मम्मा बताओ, बच्ची ने कहा नहीं बाबा। मिस तो हुआ है। क्या मिस हुआ? बाबा के साथ सर्विस में रहना मिस तो हुआ है। विश्व किशोर भी कई बार मिस हुआ है। नहीं, कई बार अलग आते हैं। कोई भी बाबा के साथ कायम नहीं रहते हैं सिवाय एक के है? अभी ऊपर क्या कहा? कोई भी नहीं है जो सदैव साथ रहते हैं। और यहां क्या कह दिया है? कोई भी साथ में कायम नहीं रहते हैं सिवाय एक की। तो फिर वो एक कौन? पूछा, कोई ऐसे सर्विस साथी हैं जिनको साथ में रखना है? ईश्वर के साथ सिवाय एक के और कोई भी नहीं है। वो भी एक, वो दूर की तरफ इशारा किया, और ये भी साथ में रहने वाला एक ही है। किसी ने कहा आपको एक बाबा है, हमको दो बाबा हैं, और हमको धारणा दो की है। देखो किस बात में तुम ऊंचे ठहरे। ड्रामा ऐसा है कि भले बाबा कहते हैं मैं साथ में हूं, परंतु
कौन से बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं साथ में हूं, भले कहते हैं, परंतु बाबा को भी ये भूल जाता है कि मैं साथ में हूं। कौन भूल जाता है? हर वक्त मुझे ये नशा नहीं रहता है। किसने बोला? अगर हर वक्त नशा रहे तो मुझे ऐसे ही देखो जैसे खुशी में बैठा हुआ हूं, ऐसे। समझा? कोशिश तो बहुत की जाती है परंतु रह नहीं सकते, भूल जाते हैं। किसी ने कहा लोग देखते तो हैं, हाँ बाबा अनुभव तो बतलाते हैं ना, बाबा कहते हैं ना कि हम भोजन पर बैठता हूँ शिव बाबा को याद करूं, उस खुशी में बैठूं, फिर ये बात भूल जाती है। कभी ईश्वर के घर में नहीं होता होगा, ये बातें बड़ी वंडरफुल हैं। निरंतर याद करूं तो फिर और क्या चाहिए? अगर निरंतर याद करते ही रहें तो फट से कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु नहीं, ये खेल बड़ा वंडरफुल रचा हुआ है। जिसको सोच सोच करके सब बंदर खाते हैं, आश्चर्य खाते हैं। बच्चे मौज में हैं, कहाँ के हैं ये बच्चे? धानापुर के। तुम एक दिन देखेंगी यहाँ भी फिर बैठने की जगह नहीं होगी। कहाँ है जो पहला पहला हाल बना था, उस हाल की बात बताई, क्योंकि झाड़ को तो वृद्धि पाना ही है जरूर, इसमें कोई भी संशय नहीं। और स्थापना तो कल पहले मुआफिक होनी है, ये बात तो सर्टेन है। हर एक बात निश्चय करके और अतीन्द्रिय सुख में रहने लायक है। यही बात सिर्फ याद करे कि गॉडफादर पढ़ाते हैं तो ये एक बात कुछ कम है क्या? एक एक बात में कोई अगर टिके तो भी, और ये भी याद रखे कि 84 जन्म पूरा हुआ, अभी चले अपने वतन की ओर, तो भी स्थाई याद नहीं रह सकती है। हाँ ये जरूर है कि पुरुषार्थ किया जा रहा है सब, क्योंकि फिर समझने बैठना है कि बस बाबा इनमें है। इनमें क्यों कहा? खलास नहीं, ये महसूसता आनी चाहिए। ये जब भी भोजन पर बैठे रहे और याद करते रहते हैं तो महसूसता आती है, और अगर भूल जाते हैं तो महसूसता गुम हो जाती है, क्योंकि अनुभव तो हर एक अपना बताते हैं।
26:8-64 की वाणी का पांचवा पेज। तो बाबा भी अनुभव तो बताते हैं ना, जानता हूँ कि इस मकान में बाबा की प्रवेशता है, फिर भी भूल जाते हैं। ये भी विवेक कहता है कि इस मकान में सदैव तो बैठने वाला नहीं है। क्या क्या इशारा दिया? सदैव तो बैठने वाला नहीं है, जरूर स्थाई तो नहीं बैठा हुआ है, आता जाता है। तो फिर ये भी भूल जाते हैं, याद आती है और भूल जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये भी है कि चक्कर पूरा हुआ, जाना है, क्योंकि एक्टर्स तो है ही, तो एक्टर के लिए ये बात अच्छी शोभती है कि ड्रामा पूरा हुआ, अभी जाते हैं घर। कि तो जानते हैं कि घर जाते हैं फिर पार्ट बजाने आना है, एक्टर के लिए अच्छी बात है कि खेल पूरा हुआ, ये वस्त्र उतार नहीं है जरूर और घर जाना है। जानते हैं कि यहाँ आते हैं और वस्त्र धारण कर पार्ट बजाते, पहले नंगे आए थे तो फर्स्ट क्लास सत्व प्रधान वस्त्र मिला था, अभी तमो प्रधान हो गए हैं, इसको वस्त्र भी कहेंगे चोला भी कहेंगे, बात तो एक ही है, इसको है? इसको वस्त्र भी कहेंगे चोला भी कहेंगे, किसको? शरीर को। अब फिर जाते हैं, फिर फर्स्ट क्लास बस मिलेगा, ये भी याद करते रहे तो भी सुदर्शन चक्रधारी हो गया, पर याद आता रहे और नोट करें कि मैं इतना समय ये भी याद करता हूँ तो भी अहो सौभाग्य। क्योंकि जन्माष्टमी वगैरह तो हम जन्म बाई जन्म मनाते आए, अब वो मनाने की बात बच्चों से छूट गई है, अभी फिर औरों को समझाना है। ये महाभारत की लड़ाई वही है और अभी श्री कृष्ण का राज्य स्थापन हो रहा है, ये भी समझाना कोई के लिए कि श्री कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है, गोया समझना चाहिए कि कृष्ण की सारी राजधानी होगी, जो फिर लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो कहना पड़े। सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है क्योंकि कलयुग की अनेक राजधानियों को आग लग रही है, ये भी तुम भाषण में समझा सकते हो कि आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाए रहे हैं और श्री कृष्ण का राज्य तो पास्ट हो गया, अथवा कहें लक्ष्मी नारायण का राज्य तो पास्ट हो गया, अभी फिर महाभारी महाभारत लड़ाई लगती है, उसके बाद फिर भी उनका राज्य आना है। ये भी ढिंडोरा पिटाना पड़े, ये युक्तियां रच करके टॉपिक्स निकालें, टॉपिक्स निकाल करके यहाँ ढिंडोरा पिटवाना है,
या फिर प्रभात फेरी भी जब कभी कोई करते हैं, कहते हैं प्रभात फेरी में एक या दो या तीन निकल पड़ते हैं, परंतु प्रभात फेरी जो कांग्रेस वालों की थी, फिर हम लोगों को शोभता नहीं है, क्योंकि हमारी रस्म रिवाज सबसे न्यारी है, हमको प्रभात फेरी क्यों नहीं शोभती है, इसलिए नहीं शोभती। प्रमाणे प्रकष्ट बात माने रोशनी, और प्रकष्ट रोशनी होती तब है जब सूर्योदय होता है, तो क्या अभी सूर्य उदय हो गया, इसलिए कहा ये प्रभात फेरी कहना अभी शोभता नहीं है। ऐसे तो कांग्रेसी भी प्रभात फेरी निकालते थे, परंतु रिजल्ट क्या हुआ है, रोशनी हो गई कि और ही अंधेरा हो गया। तो हमारी रस्म रिवाज सबसे न्यारी है, सर्विस वालों को कोई न कोई युक्तियां निकालते रहना चाहिए, फिर वो ही बात रिपीट हो ये भी ठीक नहीं है, नई नई बातें निकालो, उसको फिर कहेंगे सर्विस को बढ़ाने के लिए विचार सागर मंथन करके नई नई बातें निकालते हैं। अच्छा बजाओ बच्ची म्यूजिक बजाओ, थक गए कानों का रस चाहिए, बीच बीच में जिब्या का रस चाहिए, बच्ची टोली लाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्ली बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट, ओम शांति।